हे गाइस, स्वागत करता हूँ आप सभी लोग का एक और नए वीडियो में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग कोलकाता, दिस इज चिरंजीव, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द चिरंजीव। सो आज हमारे पास अनबॉक्सिंग करने के लिए एक चीज़ है, एक पैकेट आया अमेजोन से जो हमारे ब्लॉगिंग को रिलेटेड है। खोलते इसको, दिखाते इसमें है क्या अंदर में। चलिए, ये है वो ट्राईपॉड जो कि डिजिटेक की तरफ से है। ये इसका मॉडल नंबर है DTR 200MT। ये एक मोबाइल ट्राईपॉड है। एक बार मैं इसको कनेक्ट करता हूँ और फिर आप लोग को दिखाता हूँ इसका क्वालिटी कैसा है। हाँ, तो ऐसा कुछ दिखता है ट्राईपॉड। ये मिनी छोटा सा ट्राईपॉड डिजिटेक की तरफ से DTR 200MT, ये मैंने अमेजोन से परचेज़ किया। ये मुझे सेल में कुछ 500 पड़ा। ये देखिए ऐसा कुछ दिखता है, ऐसा कुछ। तो अभी रुकिए, इसमें कनेक्ट करते हैं। तो अब मैंने इसे ट्राईपॉड के साथ कनेक्ट कर लिया। बताइए क्वालिटी कैसा आ रहा और एंगल कैसा है। अभी सब कुछ सेट है। मेरे पीछे अभी सनसेट हो रहा है, तो इसका कुछ टाइम लैप्स देखिए, फिर चलते हैं नीचे, टॉपिक के साथ बात करते हैं। टाइटल एक्चुअली में हुआ क्या, मैं पूरा स्टोरी एंड में बताऊँगा, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए, अभी हमने पहुंच चुके हैं अपने सीक्रेट लोकेशन पे, मतलब फेवरेट लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। तो ये आपको दिखाता हूँ बाइक में क्या कुछ टूटा है, क्या क्या कुछ हुआ है, सब दिखाता हूँ। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला स्क्रैच पड़ा है सामने, आप लोग देख सकते हैं ये वाला एक स्क्रैच पड़ा। और ये वाला जो मिरर है, ये वाला इस साइड को हो चुका है उस साइड, जैसे वो वाला नॉर्मल है, ये वाला इस साइड था, ये हो चुका है इस साइड। जो भी मैंने इसको इधर पर थोड़ा टाइट कर दिया, पता नहीं कुछ हो जाएगा, तो जब ये सर्विस में जाएगी तब वो लोग ठीक कर देंगे शायद, अभी नहीं पता। और एक चीज़ हुआ, यहाँ पर आया था स्क्रैच क्रैच गार्ड पे, जो कि मैंने थोड़ा सा पेंट कर दिया है, नॉर्मल कर दिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, फोकस ले कर दिखाऊँ तो वहाँ पर था स्क्रैच, अभी ये ठीक हो चुका। और सबसे मेन पार्ट जो टूटा है वो है ये पार्ट, ये जहाँ पे मैंने बोला ना, यहाँ पे होंडा का लोगो है, ये वाला पार्ट ये टूट गया बस। और तो बाइक वैसे की वैसी ही है, अभी तक प्लास्टिक तक नहीं उतरा था। और ऐसा जो भी ये वाला, तो ये वाला मैंने पापा को बताया, पापा ने बोला कि अभी इस पर स्टिकरिंग करके कोई लाभ नहीं है, सर्विस में जाएगी तो पार्ट अगर वहाँ पे अवेलेबल होगा तो चेंज करा दिया जाएगा, इसको नया कर दिया जाएगा। और ये तो मैंने कलर कर ही दिया ये वाला, बट अब ऐसा दिखता नहीं है, कोई सामने से ऐसे पूरा आके देखे तो दिख जाता है। यहाँ पर तो स्टिकरिंग कर देंगे, देखता हूँ ठीक है। और अभी आपको बताता हूँ ये सब हुआ कैसे, पूरा स्टोरी आप लोग को बताता हूँ। मेरे पीछे क्या लोकेशन है गाइस, चेकआउट करो।
मैं यहीं पे फ़ोटोज़ कुछ अच्छे अच्छे क्लिक करता हूँ, और भी बहुत ज़्यादा लोकेशन है मैं जहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करता हूँ। तो ये सब सारी अच्छे से अच्छा फ़ोटोज़ देखने के लिए आप लोगों को मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जाना है, वहाँ पे आप लोग अगर मेरा अकाउंट अच्छा लगे तो उसे फॉलो कीजिए, वहाँ पे आपको ऐसे फ़ोटोज़ देखने मिलेंगे। अभी स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आ रहा होगा, वो है द चिरंजीव बोल के आप सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा, जाके फॉलो करिए और फ़ोटोज़ देख के लाइक कीजिए। सो टुडे इज़ द नेक्स्ट डे, सो पहले तो सबको गुड इवनिंग है। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:10। तो कल मैं और वीडियो नहीं बना, शूट नहीं कर पाया क्योंकि उसके बाद फ़ोन का बैटरी भी डाउन हो चुका था और फिर मेरा भी मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैं अभी फिर वीडियो को शूट कर रहा हूँ आज दोपहर में। तो उस दिन हुआ क्या था मैं आपको अभी डिटेल्स में बताता हूँ। एक्चुअली हम लोग गए थे बाहर, हम लोग मीन्स मैं, मेरा एक दोस्त और एक भैया गए थे अपना बाइक पर। तो हमें पता नहीं था कि जब हम लोग मीट किए तो वो शायद थोड़ा ड्रंक थे कि ऐसा कुछ था। तो हमने जब दोनों बाइक चलाया तो उसका थोड़ा देर के बाद उन्होंने कहा जो बाइक स्वैप करेंगे। तो जब हम लोग ने बाइक स्वैप किया तो वो जब मेरा बाइक चला रहे थे, मैं उनका बाइक चला रहा था। उनका भी था शाइन, था उनका होंडा शाइन पहले वाला मॉडल जो 17 में आता था, शायद 17 वाला था, और मेरा तो SP125। तो वो मेरा वाला चला था, मैं उनका वाला चला था। मैं और मेरा एक फ्रेंड, हम लोग उनका बाइक पर बैठे थे और वो इस बाइक पर अकेले थे। तो वो बहुत रैशली बाइक चला रहे थे, मैं उनको कितना बार दूर से रोकने की कोशिश भी किया पर वो नहीं रुके। उसके बाद थोड़ा दूर जाने के बाद मैं पूरा उनको इशारा देता था रुक जाओ, मेरा फ्रेंड भी बोल रहा था पर वो नहीं रुक रहे थे। फिर एक बार एक टर्निंग जैसा जगह पर आया एरिया, वहाँ पर थोड़ा सा नीचे सैंड भी था, थोड़ा सा बाली था। तो उन्होंने जब सामने वाला ब्रेक मारा वो ठीक से बाइक को एक्चुअली कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे, पूरा रास्ता उन्होंने ठीक से बाइक को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे। फिर वहाँ पर जाकर के वो जाकर सामने वाले डिस्क को लिए होंगे, उन्होंने मारा और शायद सामने का जो व्हील था वो स्किट खा गया और वो डाउन टू द अर्थ, वो नीचे गिर गया। और फिर हमने उनको उठाया, उनको साइड किया, फिर बाइक को तो उठाया, बाइक को साइड किया, फिर सब कुछ सुबह में साइड किया। मैं उस समय देखा तक नहीं था कि बाइक को हुआ क्या, कुछ नहीं, मैं तब देखा नहीं। मैं एक ही था जो भैया ठीक हो, भैया को दिखा गया। उसके बाद फिर अगला दिन सुबह मैंने ये सब कुछ देखा और फिर मैं आप लोग को बता ही रहा हूँ। तो देखो मेरा एक ही चीज़ बोलने का है, आप लोग के साथ भी हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। और देखो जो होने का है वो जो लिखा है वो होता ही है, चाहे आज हुआ चाहे वो एक महीना बाद हो। आज मैं ये वाला वीडियो बना रहा हूँ, मैं आज नहीं ये कल बनाऊँगा, कल नहीं परसों बनाऊँगा, मुझे मन है बनाने का तो मैं आज भी बना सकता हूँ, कल भी बना सकता हूँ। तो वैसे जो होना था वो कल भी हुआ, एक महीना बाद भी हो सकता है। तो इसलिए कोई भी अगर प्रॉब्लम हो लाइफ में, कुछ भी ऐसे सडन बहुत सारे चीज़ हो जाते हैं, इसलिए हमें कभी पीछे घूम के देखना नहीं है, सबके लिए रुकना नहीं है। हुआ तो हुआ, अब मेरे साथ भी हुआ, मैं नया बाइक, मुझे कितना ख़राब लग रहा होगा समझ सकते हैं आप लोग। तो अब मुझे भी तो उसके साथ रहना होगा, ठीक है तो मैं उस पार्ट को चेंज करा दूंगा, और तो ऐसा कुछ नहीं, और सही हो जाएगा और सब कुछ ठीक ही है, आप लोग ने देखा ही। तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पे, होप करते हैं आप लोग को वीडियो ठीक ही लगी होगी। अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम लगा या कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो करिएगा लाइक। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही किसी ऐसा ठीक ठाक से वीडियो में मिलेंगे आप लोग को नेक्स्ट। टिल देन चिरंजीव जा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।